पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम पाकिस्तान में बैनुल अक्वामी समाजी तंजीमों यानी INGOs का एक नुमाइंदा फोरम है। PHF के 44 INGOs मेंबर हैं जबकि 8 एफिलिएट मेंबर हैं। PHF ने अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट 2023 का इजरा किया। इस हवाले से इस्लामाबाद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा चेयरमैन सेनेट जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी थे। PHF की मेंबर और एफिलिएट तंजीमों ने साल 2023 में मजमूई तौर पर 857 रिलीफ और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कामयाबी के साथ मुकम्मल किए। इन प्रोजेक्ट्स की तकमील पर 338.08 मिलियन डॉलर की लागत आई और इन मनसूबा जात की तकमील से 2,73,29,720 अफराद बशमूल ख्वातीन और बच्चे मुस्तफेद हुए। इस तकरीब में एक पैनल डिस्कशन का भी इनेकाद किया गया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि माहौलियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाली आफात के अजाले के लिए हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमों को मिलकर एक मरबूत मनसूबों पर काम करना होगा ताकि इन आफात से कम नुकसान हो सकें। तो आज के इस दिन के हमारा पैगाम यही है, पाकिस्तान में जो लोगों की रेजिलियंस बिल्डिंग में और स्पेशली जो क्लाइमेट चेंज से जो नबर्दाजमा होने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और हमारी यही ख्वाहिश है कि हम सब मिलकर इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए मिलकर काम करें। तकरीब में INGOs के कंट्री डायरेक्टर्स, हकूमत के नुमाइंदगान, अक़वामी मुत्तहदा के ज़िम्मेदारान, NDMA के अफसरान, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, तलबा और तलबात और दीगर शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वातीन और हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ ज़ुनैरा अनम, आई एम मैनेजर अलमनाई इन इकरा यूनिवर्सिटी। बेसिकली मेरा 5 years अबव का एक्सपीरियंस है इन द डेवलपमेंट सेक्टर। द पॉइंट हम लोगों को ये वाले जो इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ईगो सिस्टम, वी हैव टू डिस्कस दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स इन दिस कंट्री, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें एटलीस्ट अवेयरनेस होगी कि हम लोग कौन कौन से इश्यूज़ को हम लोग अभी फेस कर रहे हैं। इस तरह के इवेंट्स हमें लगता है कि ज़्यादा होने चाहिए जिसकी वजह से हमें एक हमारी यूथ को अवेयरनेस आए। हमारी जो अभी बात भी हुई थी इस इवेंट पे कि पॉलिसी तो हमारी बहुत अच्छी है लेकिन उसकी फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद आरिफ एंड आई एम द कंट्री डायरेक्टर ऑफ एक्शन फॉर ह्यूमैनिटी इन पाकिस्तान। Our organization has recently started our operations in Pakistan in the sectors of health, food security and livelihoods, as well as water sanitation and climate change. Our core thematic areas are in the sectors of health, in which we are working with Vision for Education Foundation for the prevention of avoidable blindness among children. Assalamu alaikum, my name is Kinza Rehman and I am working as manager in external linkages and placements at Iqra University. Today we were invited at Pakistan Humanitarian Forum aur yahan par aake mujhe ek cheez bahut achhi lagi ki yahan par jo report 2023 ki di gayi hai usme wo har cheez highlight hui hai jiski wajah se hamara mulk kafi had tak affect hua hai, chahe wo 2022 ka flood tha chahe wo kuch aur cheez thi. Climatical aspect ek wo टॉपिक है जिसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर सारी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आके अपना कोई भी इनपुट दें। PHF की कंट्री कोऑर्डिनेटर मोहतरम शाहिद काजमी, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी मोहतरम आदिल शराज और डिप्टी चेयरमैन मोहतरम खुरम गोंदल ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा और PHF की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। PHF के काम और कामयाबियों के हवाले से खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री भी शुरका को दिखाई गई। आखिर में PHF की टीम ने चेयरमैन सेनेट को PHF की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जिसे चेयरमैन सेनेट ने सराहा और INGOs और PHF के मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कंट्रीब्यूशन की तारीफ की। The project implemented by PHF member organization reflects a common commitment to ensuring equal access to resources and opportunities needed for growth. Ladies and gentlemen, as the chairman of the Senate, I want to assure you of my continued support for humanitarian and development endeavors. I deeply value the contribution by the NGOs in addressing the needs of our people, especially in times of crisis. The pivotal work of PHF requires active support and appreciation from all stakeholders and it directly concerns the betterment of the people of Pakistan.